जिस आपातकाल में दमन ने नेताओं को हाशिए पर धकेल दिया, उसी इमरजेंसी ने नरेंद्र मोदी की नेतृत्वकारी क्षमताओं को निखारा। इस बात को गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री रहे भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा एक किस्से के जरिए बताते हैं। ये जो इमरजेंसी के दौरान की कहानी है जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे, वो बटुक भाई के नाम वाली कहानी, ये कहानी है क्या? देखिए, मेरे क्षेत्र में जी इमरजेंसी के दौरान एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। अच्छा, और रात को पुलिस को खबर हो गई कि मीटिंग होने वाली है। मीटिंग होने वाली है, बड़े बड़े लोग आए थे, वसंतराव, नाथालाल झगड़ा, नरेंद्र भाई, केंद्र से भी जी। तो मीटिंग पूरे दिन चली और मीटिंग पूरी होने के बाद हम सब एक व्हीकल में थे और नरेंद्र भाई हमारे आगे टू व्हीलर्स पर थे। अच्छा, वो चला रहे थे? हाँ, खुद चला रहे थे, अकेले थे जी। मालूम नहीं था कि सामने से ऑल ऑफ ए सडन पुलिस आएगी। ओ, पुलिस का आना तो कोई और वजह थी जी, मगर हमने तो ऐसा सोच लिया कि हमारे लिए आई है जी। ये पुलिस को देख करके नरेंद्र भाई ने वो सिग्नल बताई कि मैं राइट को जाता हूँ और फिर लेफ्ट को आप जाना है जी। और पुलिस के बिल्कुल बगल से निकल करके आगे निकल गए, तो मेरी भी शांत हो गई कि क्या बात है, ये यदि ऐसा होता तो क्या होता। नरेंद्र मोदी आपातकाल के दौरान अंडरग्राउंड रहे। उनका प्रयास लोगों तक इमरजेंसी की सच्चाई को पहुंचाना था। इस कड़ी में यहां वहां घूमते, लेकिन उन दिनों में भी उनकी नजरों में राष्ट्र निर्माण का सपना पलता था। अवश्य कहनी चाहिए कि आज जो प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व है, उसकी आधारशिला आपातकाल का संघर्ष है। वाह, देखिए, जिस व्यक्तित्व की आधारशिला संघर्षों पर रखी जाए, उसका आसमान छूना, शिखर छूना तो खैर होना ही है, उसे कौन रोक सकता है। 67 से हमारा परिचय हुआ जी, और करीब करीब संजोग वशात वे वडनगर से अहमदाबाद आए, संघ के स्वयंसेवक बने, फिर प्रचारक बने, फिर जनसंघ में आए। इसी प्रकार मुझे भी जूनागढ़ में सौराष्ट्र का छात्र था, और उन्हीं दिनों में उनसे मिलना होता था जी। एक छोटी सी कोटरी में हमारा कार्यालय था अहमदाबाद में, सलापस रोड पर मंसूरी बिल्डिंग में, और रोज आते थे नरेंद्र भाई एक बाइक लेकर, और वहाँ नीचे एक आइसक्रीम की दुकान थी, आइसक्रीम के साथ हम राष्ट्र की चर्चा करते थे। वाह। आपातकाल के बाद सूरत और वडोदरा में संघ के संभाग प्रचारक के तौर पर काम कर चुके नरेंद्र मोदी बाद में दिल्ली चले आए। हालांकि जल्द नरेंद्र मोदी की गुजरात वापसी हुई और 1987 में वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए। आपकी पहली मुलाकात कब और कहां हुई थी? 1987 में, 1987 में जी, मैं यहां संघ का प्रचारक बनकर आया गुजरात में जी, तब मेरी उनकी मुलाकात सूरत में पहली बार हुई थी। सूरत में जी, कोई दृश्य याद है कैसे मिल गए, क्या कर रहे थे? यानी वो उन्होंने मुझे एकदम, उनको पता था मेरा नाम वगैरह जी, तो उन्होंने मुझे पूछा था कैसे हो, क्या है जी, एकदम स्वाभाविक जैसे एक प्रचारक एक कार्यकर्ता दूसरे कार्यकर्ता से मिलता है, कुछ बातें सूरत की वगैरह उन्होंने पूछी। 1987 के अहमदाबाद निकाय चुनाव नरेंद्र मोदी की पहली राजनीतिक परीक्षा थी। नरेंद्र मोदी ने पोलिंग बूथों को वोट बैंक के आधार पर तीन कैटेगरी में बांटा था, ए, बी और सी। कमजोर बूथ पर ज्यादा फोकस किया। बीजेपी ने 127 में से 67 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया। बीजेपी ने इसी रणनीति से सूरत, वडोदरा और राजकोट के निकाय चुनाव भी जीते। ये नरेंद्र मोदी के चुनाव मैनेजमेंट का पहला टेस्ट था। इस बीच राम जन्मभूमि आंदोलन तेज होने लगा। सितंबर 1990 में बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली। तब गुजरात में यात्रा की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी को मिली। ये संगठन में नरेंद्र मोदी के नाम एक बड़ी कामयाबी रही। इसके बाद सिलसिला थमा नहीं,
अगले ही साल 1991 में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी ने कन्याकुमारी से श्रीनगर तक एकता यात्रा निकाली। यात्रा के लिए कोऑर्डिनेशन और रूट की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी को सौंपी गई। इसी एकता यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी ने 1992 को श्रीनगर में ये ऐतिहासिक भाषण दिया। कहे मुताबिक 26 जनवरी 1992 को मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहरा दिया। इधर 90 के दशक में गुजरात की सियासत में काफी उथल पुथल रही। शंकर सिंह वाघेला और केशुभाई पटेल के बीच दबदबे की जंग का लंबा दौर चला। मोदी ने संगठन के अंदरूनी मामलों में केशुभाई का साथ देना शुरू किया। 1995 में केशुभाई के नेतृत्व में सरकार बनी। शंकर सिंह वाघेला के खेमे को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। नतीजा वाघेला की बगावत के तौर पर सामने आया। मसला इतना बड़ा बन गया कि अहमदाबाद में अटल बिहारी वाजपेयी को कैंप करना पड़ा। 2 दिन के मान मनोवल के बाद शंकर सिंह वाघेला की शर्तों को पार्टी आलाकमान ने मान लिया। इसके बाद नरेंद्र मोदी को दिल्ली में राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया। लेकिन 1998 में केशुभाई पटेल दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन साल 2001 गुजरात के लिए मुश्किल साबित हुआ। कच्छ में आए भूकंप ने भयानक तबाही मचा दी। जिस तरह प्रधानमंत्री के तौर पर आज नरेंद्र मोदी कुदरती आपदा के समय हालात का जायजा लेने खुद पहुंच जाते हैं, जैसे भूस्खलन से बर्बाद वायनाड का दौरा ही ले लीजिए, इसी तरह मोदी राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर कच्छ के भूकंप का आंखों देखा हाल देख रहे थे। कच्छ में आपदा आई, जब इसकी खबर पहली बार आपने सुनी या उन्होंने सुनी तो कैसे आप दोनों कनेक्ट हुए एक दूसरे के साथ? 27 तारीख सुबह नरेंद्र भाई वहाँ पहुँच गए थे जी, और कुछ लोगों के साथ वो आए थे अलग फ्लाइट से यहाँ से, और 27 तारीख सुबह वहाँ का एक जुबली ग्राउंड है उस ग्राउंड में मेरी उनकी मुलाकात हुई। 4-5 दिन के बाद वो फिर से आए थे जी। ये जो मोटरसाइकिल वाली मेरी जो फोटो है, और कई बार हम उनके साथ मैं मोटरसाइकिल पर गया हूँ। वो कार लेकर आए थे अहमदाबाद से वहाँ, और उन्होंने कहा कि हमको मोटरसाइकिल में पूरे शहर में घूमना है। ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर जी, हाँ, ये की तस्वीर है, क्योंकि ये जो पीछे आपको दिख रहा है जी, वो सारा मलबा पड़ा है जी, और केवल तस्वीर तो मोटरसाइकिल पे ली गई, लेकिन कई जगह ऐसी थी जहाँ हम नीचे उतरना पड़ा जी। गलियों में भी नरेंद्र भाई गए थे, और 10 महीने बाद जब नरेंद्र भाई मुख्यमंत्री स्नाते से आए जी, और कच्छ का पुनर्वसन आज हम देखते हैं, तो ये उनके नज़र में आपको पुनर्वसन दिखाई देगा। तो मुझे तो बार बार जब ये फोटो में देखता हूँ, लोग तो ये सोचते हैं कि नरेंद्र भाई मेरे साथ बैठे हैं, मैं ये सोच रहा हूँ तो कि वो क्या सोच रहे थे।